आज हम 10th क्लास के क्लिनरी ब्लैंक्स करेंगे जो इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चेसी का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, वाहन को आधार देने के लिए चेसी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन चैनल सेक्शन का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, लॉन्ग मेंबर के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन ट्यूबलेस सेक्शन का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, ट्यूबलेस सेक्शन का प्रयोग दो पहिया और तीन पहिया वाहन में किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बस चेसी में संपूर्ण इंजन खालिस्तान कैबिन फिट होता है, ड्राइवर कैबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेसी वाहन के नीचे का भाग है जो फ्रेम और मशीनरी के साथ मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहन बाटी का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, वाहन बाटी का प्रयोग चेसी को आधार देने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन दरवाजे की खिड़कियों को अपने स्थान पर खालिस्तान द्वारा रखा जाता है, बंधक यानी फास्टनरों के द्वारा। हुड को खालिस्तान टुकड़े में निर्मित किया जाता है, हुड को एकल यानी एक टुकड़े में निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और पास बम्पर खालिस्तान के बने होते हैं जिस पर सजावटी सामग्री मढ़ी जाती है, छड़ यानी बार के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन TDC का पूर्ण रूप टॉप डेड सेंटर, BDC का पूर्ण रूप बॉटम डेड सेंटर। आंतरिक दहन इंजन फ्यूल जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है तथा वह गर्मी गति में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजन टॉर्क खालिस्तान से होकर सड़क पहियों तक पहुंचाता है, इंजन टॉर्क संचार प्रणाली से होकर सड़क पहियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहन प्रणाली इंजन के खालिस्तान भागों में घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करती है, गतिशील भागों में। स्नेहन तेल की श्यानता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि द्रव गति की स्नेहन की सुनिश्चितता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च तापमान पर तेल रासायनिक रूप से स्थिर रहना चाहिए, उस तापमान पर तेल रासायनिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेंडर दीवारों को दी गई गर्मी की मात्रा अधिक है और यदि इस गर्मी को सिलेंडर से हटाया नहीं जाता तो ईंधन और हवा के मिश्रण का पूर्व प्रज्वलन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु शीतलन में वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर लगातार प्रवाहित किया जाता है जिससे ताप को हटाया जाए यानी कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोस्टेट को इंजन और रेडिएटर के बीच में फिट किया जाता है, रेडिएटर और इंजन के बीच में फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शीतलक जब इन मार्गों से प्रवाहित होता है तो यह इंजन से ऊष्मा को ग्रहण करता है, ऊष्मा मतलब गर्मी को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रणाली में एक ईंधन टंकी, ईंधन लाइन, ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, वायु क्लीनर, कार्बोरेटर और इनलेट मैनिफोल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटी सिस्टम में ईंधन टंकी को ऊपरी अवस्था में आरूढ़ किया जाता है, ऊपरी। नेक्स्ट दबाव प्रणाली में एक वायु रुद्ध सील ईंधन टंकी प्रयोग की जाती है, टंकी। पेट्रोल इंजेक्शन प्रणाली को कुछ आधुनिक वाहनों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होती है तो आघात कोण संचारित करने के लिए सर्वयोजन जोड़ प्रयोग किए जाते हैं, यूनिवर्सल जोड़ प्रयोग किए जाते हैं। एक साधारण सर्वयोजन जोड़ दो योग आकार के होते हैं जिसमें एक चालक शाफ्ट पर दूसरा चलित शाफ्ट पर लगाया जाता है और तृतीय खंड यानी क्रॉस पीस जिसे स्पाइडर कहा जाता है से बने होते हैं, इन सभी से मिलकर ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वचालित संचार को विलास कारों या भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है
जो शहर और भीड़ भाड़ राज्य मार्ग पर चलती है तथा चालन के समय गियर के लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है, गियर को लगातार चेंज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से डिफरेंशियल तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल का प्रयोग पहिया घुमाने के लिए किया जाता है, पहिया घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप एक्सल एक मध्यवर्ती छोटी शाफ्ट है जिसे सड़क पहिए और फ्रंट एक्सल के बीच लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज एक्सल बीम एक स्थिर रचनात्मक अंग है, रिज एक्सल बीम एक स्थिर संरचनात्मक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार पहिया ड्राइव में फ्रंट एक्सल सड़क पहिए को शक्ति संचारित करती है, शक्ति को ट्रांसफर करती है, भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेयरिंग का प्रयोग वाहन को घुमाने के लिए किया जाता है, वाहन को घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेयरिंग गियर के दो मुख्य कार्य हैं, दो। स्टेयरिंग गियर स्टेयरिंग व्हील की घूर्णन गति को ड्रैग लेग की रिसीपर के गति में बदल देता है। ऑटोमोबाइल में कई प्रकार के स्टेयरिंग गियर प्रयोग किए जाते हैं, स्टेयरिंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियर एक्सल का प्रयोग पिछले पहिए को स्पोर्ट और घुमाने के लिए किया जाता है, पिछले पहिए को स्पोर्ट और घुमाने के लिए। क्राउन व्हील से चाल डिफरेंशियल को जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पॉइंट गियर व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल ड्राइव का कार्य गति को स्थायी रूप से लघुगण करने और चाल को 90 डिग्री की दिशा पर परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन प्रणाली एक विशेष सड़क की हालत से उत्पन्न संघात के प्रभाव को कम करता है तथा वाहन में सवारी कर रहे व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित ड्राइव प्रदान करता है, सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाते हैं, इस प्रवृत्ति को ट्रिपिंग कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन आगे की ओर गोता खाते हैं, इस प्रवृत्ति को डीपिंग कहा जाता है, आगे की ओर गोता खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन एक परिभाषित शब्द है जिसका अभिप्राय स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर और योजक से है, योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक एब्जॉर्बर और स्टड वाहन के पहियों के पीछे स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब टायर पारंपरिक टायर है, पारंपरिक टायर, टायर को पहिए के रिम पर चढ़ाया जाता है, मटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ट्यूब के और ट्यूब टायर को न्यूमैटिक टायर कहा जाता है, न्यूमैटिक टायर। ठोस टायर में ना तो हवा टायर के अंदर भरी जाती और ना ही टायर के अंदर कोई ट्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक का प्रयोग वाहन को रोकने के लिए किया जाता है, ब्रेक को कम से कम संभव समय और दूरी में वाहन को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर एक समान रूप से कार्य करना चाहिए, ब्रेक को सभी मौसम में एक समान रूप से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग वाहन में इलेक्ट्रिकल के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल लाइट का प्रयोग वाहन में रात को देखने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है, रासायनिक युक्ति। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, यह प्रक्रिया दो विभिन्न कनेक्टरों को इलेक्ट्रोलाइट में डुबाने पर होती है, इलेक्ट्रोलाइट। विंडस्क्रीन वाइपर का कार्य है, बारिश होने पर विंडस्क्रीन को
साफ रखना है। नेक्स्ट है हथौड़े का प्रयोग पार्टों को फिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस गन कार्यशाला और रोजक का एक सामान्य उपकरण है जिसे स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंच हस्त औजार है जिसे नट और बोल्टों कसने और ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास हस्त औजार है जिन्हें समुच्चय और समायोजन हेतु विभिन्न पुर्जों को पकड़ने खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाय क्लिपर का प्रयोग गोल एवं स्पाट वस्तुओं के मापने के लिए किया जाता है। स्टील रूल को ज्यामितीय ड्राइंग और वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज एक अधिकतम उपयोगी माप यंत्र है जिसे छोटी दूरी की परिशुद्ध माप हेतु कार्यशाला में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर जिसे वोल्ट ओम मीटर के रूप में भी जाना जाता है, वोल्ट ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है, इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर आमतौर पर कांच का बना होता है, कांच। विशेष औजार एवं उपकरणों का उपयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है, विशेष कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई व्हील पुलर का उपयोग इंजन से फ्लाई व्हील निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क रिंच एक विशेष औजार है जो बंधक जैसे कि नट या बोल्ट को विशिष्ट टॉर्क प्रयोजन करता है। टॉर्क रिंच नट और बोल्ट को विशेष टॉर्क पर टाइट करने और लूज करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष औजार एवं उपकरणों के उपयोग से अवयव का सेवा काल बढ़ जाता है और हानि भी कम होती है, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक रिंच का उपयोग नट बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। टू पोस्ट लिफ्ट मैकेनिक को वाहन के नीचे काम करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिया संतुलन टायर कंपन और उछाल को कम करने में सहायता करते हैं, कंपन और उछाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई वाहन की सफाई के लिए प्रयोग की जाती है, यानी वाहन की वॉशिंग करना। नेक्स्ट है, वाहन को धोने के लिए डिटर्जेंट साबुन का पाउडर प्रयोग नहीं करना चाहिए। खिड़कियों की सफाई के लिए अखबार के टुकड़े का उपयोग करें और खिड़कियों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करें। सर्विस स्टेशनों में स्वचालित वॉशिंग यूनिट का उपयोग होता है जो धोने की सारी प्रक्रिया इसी यूनिट में पूरी हो जाती है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप अपने निर्माता की विशिष्ट निर्देशों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, निर्देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता की अनुशंसा के अनुसार बाजार में अपनी कार के लिए आदर्श तेल का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त तेल बेहद जहरीले होते हैं और इसका घरेलू कचरे के साथ कभी भी निपटारा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन का तेल बदलना अति सरल है, यदि यह कार्य आप स्वयं करते हैं तो लंबी अवधि में आप पैसों की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु फिल्टर का उपयोग वायु को साफ करने के लिए किया जाता है। वायु फिल्टर इंजन के आंतरिक भागों को धूल और कीड़ों से मुक्त करता है, यानी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर को हर 50,000 किलोमीटर के बाद या वर्ष में एक बार परिवर्तन करना चाहिए। एयर फिल्टर सस्ता तथा बदलाव भी सरल होता है, एयर फिल्टर को बदलना सस्ता और बदलना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन फिल्टर का उपयोग
ईंधन को साफ करने के लिए किया जाता है। ईंधन फिल्टर ईंधन से गंदगी को हटाता है, गंदगी। अवरुद्ध फिल्टर वाहन के लिए ईंधन दबाव कम कर देता है, फ्यूल का प्रेशर कम कर देता है। नेक्स्ट है, निर्माता के अनुसूचित अंतराल पर ईंधन फिल्टर को बदलना चाहिए। शीतलन का उपयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, इंजन को ठंडा करना। शीतलक इंजन से गर्मी को हटाता है, गर्मी उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलक को हर 2 साल के बाद बदलना चाहिए, कूलेंट को में 2 साल के बाद बदलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता के अनुसूचित अंतराल पर शीतलक को बदलना चाहिए, हमें कूलेंट को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक सेवा के सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक अक्सर उत्तम अनुभव कारक के रूप में जाना जाता है, यानी फील गुड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने कि आप ग्राहक को क्या उत्पाद सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्पाद सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री व्यक्ति को मुस्कुराते चेहरे के साथ ग्राहकों का स्वागत करना चाहिए। थैंक यू।